हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा फरीदाबाद में खोखला साबित होता नजर आ रहा है। फरीदाबाद के गांव बडोली के रहने वाले राकेश शर्मा का कहना है कि उनके ही सगे भाइयों ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया और जब जमीन की उन्होंने मांग की तो उन्हें लाठी डंडों और सरिये से पीटा गया, जिसके चलते उन्हें काफी चोटें आई हैं और फिलहाल वो काम करने की हालत में नहीं है। घटना बीते 9 अप्रैल की है, जिसके पूरे 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये जमीन का मामला है जी। ये दिनांक 9/4/2022 को मैं अपने ड्यूटी से अपने घर आ रहा था जी। वहाँ पे दो बंदों ने मुझे रोका। एक बंदे को तो मैं पहचानता हूँ, वो मेरे गांव का ही है जी। और दूसरे अनजान है, सामने आने पर उसको मैं पहचान लूंगा। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो अचानक धर्मवीर, मुकेश और टीटू और कैलाश और मुकुल, इन सबके हाथों में लोहे के सरिया थे। इन्होंने मुझे देख के मेरे पर अटैक कर दिए और मुझे चोटें मारी। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चल रही थी, क्या वजह थी मार करने की? पुरानी रंजिश थी, मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने बेच दी और मुझे हिस्सा ना दिया। मैंने जब हिस्सा मांगा तो इन्होंने मेरे साथ शुरू से ही मारपीट करी और शुरू से धमके देते रहे कि हम तुझे या तेरे परिवार को जान से मार डालेंगे। मारपीट की शिकायत पुलिस को दी आपने? पुलिस को कई बार दी है, कई बार शिकायत दी है, लेकिन पुलिस वाले ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी इनके खिलाफ। बरौली के राकेश शर्मा ने शिकायत दी कि जब मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके बरौली पुल के पास आया तो मुझे 5-6 लोगों ने मिलके बुरी तरह मारा। इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके जांच तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में अभी तक जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं, अभी उन पे गहराई से जांच की जा रही है। सीसीटीवी के कैमरा की फुटेज को खंगाला जा रहा है।